बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास। हमने साइंस का चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। द टर्म स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्जेस। के स्टैटिक वर्ड का मतलब है रेस्ट, एट रेस्ट पोजिशन, और इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्जेस। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स द चार्जेस एट रेस्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्जेस रेस्ट की पोजीशन में मौजूद हों। आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्टैटिक चार्जेस किस तरह से बिल्डअप होते हैं। हाउ डू स्टैटिक चार्जेस बिल्ड अप। रबिंग ऑफ सर्टन मटीरियल्स विद वन अनदर क्रिएट इम्बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन देम। जब दो मटीरियल्स को हम रब करते हैं, आपस में रगड़ते हैं एक दूसरे के साथ, तो एक इम्बैलेंस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का इम्बैलेंस हो जाता है, वो बैलेंस नहीं रहते। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन अ प्लास्टिक कॉम इज़ रब थ्रू ड्राई हेयर्स। मिसाल के तौर पे जब हम एक प्लास्टिक के कंघे को बालों के, खुश्क बालों के ऊपर रब करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम हेयर टू द कॉम, तो जो बालों के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हेयर से कॉम पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, हेयर्स बालों से कंघे के ऊपर चले जाते हैं। स्टैटिक चार्जेस आर बिल्ट अप ऑन द हेयर्स। तब जो है रबिंग की वजह से स्टैटिक चार्जेस हेयर के ऊपर बिल्ड अप हो जाते हैं, हेयर्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है, चार्जेस जो हैं हेयर से, इलेक्ट्रॉन्स हेयर से कॉम में ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो हेयर्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कॉम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन जो लूज़ कर देते हैं, हम उसमें से निकाल देते हैं, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, या किसी एटम के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो सेम इसी तरह जब हेयर्स में से इलेक्ट्रॉन कॉम पे ट्रांसफ़र होंगे तो हेयर पे पॉजिटिव चार्ज होगा और कॉम पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस तरह से स्टैटिक चार्ज बिल्डअप हो जाएंगे। हेयर हैविंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। हेयर जिनके ऊपर सेम चार्जेस होगा, लाइक चार्जेस होंगे, वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड स्टैंड इरेक्ट सेपरेटली, और जो है बाल जो हैं वो खड़े हो जाएंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे। व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज़ ब्रॉट क्लोज टू अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। अब कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, जिसके ऊपर ना हो उसको कहते हैं न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। अब कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उसके अंदर, उस पर हमने चार्ज बिल्ड करना है, तो किस तरह से करेंगे। व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज़ ब्रॉट क्लोज टू द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। जब एक चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हैविंग नो चार्ज, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसके नज़दीक लेके आएंगे, इट रिपेल्स सिमिलर चार्जेस प्रेजेंट ऑन द ऑब्जेक्ट। तो वो जो सिमिलर चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस होंगे, उनको रिपेल करेगा और अट्रैक्ट्स ऑपोजिट चार्जेस ऑन देम। जब ऑपोजिट चार्ज होंगे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, चार्ज ऑब्जेक्ट पे अगर ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो उनको अट्रैक्ट करेगा। इन दिस वे चार्जेस विल बी इंड्यूस्ड ऑन दी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं या उसमें बिल्ड कर सकते हैं। सच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन दी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट रिमेन्स इनटैक्ट अनटिल वी मूव दी चार्ज ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम इट। तो उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे चार्ज उस वक्त तक रहेगा, उस वक्त तक वो इंटैक्ट रहेगा जब तक हम जो कोई चार्ज पार्टिकल है उसको न्यूट्रल पार्टिकल से दूर ना ले जाएं, उस वक्त तक वो चार्ज रहेगा, स्टैटिक चार्ज उसके ऊपर बिल्ड हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इसकी एग्जांपल क्या है स्टैटिक चार्जेस की। लाइटनिंग जो है, बिजली का जो चमकना है आसमान पे, वो स्टैटिक चार्जेस की एग्जांपल है। लाइटनिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक डिस्चार्ज। द पैचेस ऑफ क्लाउड्स ड्यूरिंग देयर मूवमेंट रब अगेंस्ट ईच अदर। जब दो क्लाउड्स या दो से ज़्यादा क्लाउड्स आपस में रब होते हैं,
एज अ रिज़ल्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टैटिक चार्जेस अपीयर्स ऑन द क्लाउड पैचेस। इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसके ऊपर स्टैटिक क्लाउड्स के ऊपर बादलों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। हमने पीछे पढ़ा है कि रबिंग की वजह से, दो चीज़ों के आपस में रबिंग की वजह से स्टैटिक चार्जेस बिल्डअप होते हैं। फ्रीक्वेंट रबिंग ऑफ क्लाउड्स इंक्रीज द अमाउंट ऑफ स्टैटिक चार्जेस ऑन देम। जब बहुत ज़्यादा रबिंग होगी, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है ज़्यादा या कसरत से क्लाउड्स आपस में रब होंगे, तो उससे ज़्यादा स्टैटिक चार्जेस उसके अंदर बिल्डअप होगा। व्हेन टू हाईली ऑपोजिटली चार्ज क्लाउड्स कोलाइड, जब दो मुख्तलिफ चार्जेस वाले क्लाउड्स आपस में कोलाइड करेंगे, टुकराएंगे, अ फ्लैश ऑफ लाइट अपीयर्स, तो एक बिजली की चमक पैदा होगी, एंड अ क्लिकिंग साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ क्लैप ऑफ थंडर, तो जो है एक तूफ़ानी जो किस्म की जो है वो आवाज़ पैदा होगी। तो अब तक हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, और इसके हमने इलेक्ट्रिक सर्किट्स पढ़े हैं, उनकी टाइप्स पढ़ी हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के, इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म के साथ क्या रिलेशन है। देर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म के दरमियान बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप हम एक एक्टिविटी के जरिए जो है हम देखते हैं। टेक एन आयरन नेल एंड वाइंड इट एन इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये एक आयरन की नेल ली है, एक कील ली है, उसके ऊपर कॉपर की वायर जो है लपेट दी है। कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द कॉइल टू अ सेल और अ बैटरी थ्रू अ की। जो इसके ओपन एंड्स हैं, इसको एक बैटरी के साथ यहाँ पे और की के साथ यहाँ पे जोड़ दिया है। कीपिंग द की ओपन, जब तक की ओपन है, ब्रिंग द आयरन क्लिप्स नियर द आयरन नेल, तो इस नेल के करीब जो है लोहे की आयरन की छोटे छोटे से पीसीज रखते हैं हम या क्लिप्स रखते हैं, तो आयरन नेल विल नॉट अट्रैक्ट द आयरन क्लिप्स। जब तक ये की ओपन है, जब तक हमने इसको ऑन नहीं किया हुआ, तब तक जो है ये आयरन क्लिप्स जो हैं, आयरन नेल उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। नाउ क्लोज द की एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स विद द आयरन क्लिप्स व्हेन ब्रॉट नियर द आयरन नेल। जब हम उसको आयरन नेल के क्लोज कर देंगे, तो तब देखें आयरन क्लिप्स के साथ क्या होता है। दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द नेल। तो ये आयरन क्लिप्स जो हैं, लोहे के जो छोटे छोटे से टुकड़े पड़े हुए हैं, वो नेल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। नाउ ओपन द की, अगर हम की को ओपन कर दें, कि उसको स्विच को ऑफ कर दें, तो ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स विद आयरन क्लिप्स, तो तब आयरन क्लिप्स के साथ क्या होगा। ऑल द आयरन क्लिप्स विल फॉल फ्रॉम द नेल। जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा होगा, हमने की ओपन की हुई है, स्विच ऑफ है, तो वो जो आयरन क्लिप्स उसके साथ अट्रैक्ट हुई थी, उसके साथ अटैच हो गई थी, वो नीचे गिर जाएंगी। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया है, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर वाउंड अराउंड द नेल स्टार्ट टू अट्रैक्ट द आयरन क्लिप। इस एक्टिविटी से हमने ये ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रिक करंट जब एक वो आयरन नेल जिसके गिर्द हमने कॉपर की वायर वाउंड की हुई है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था, तो तब जो है नेल जो आयरन के छोटे छोटे क्लिप्स पड़ी हुई थी, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तब ही करता है जब जो है उसके साथ बैटरी अटैच है और की ओपन है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा, की ओपन है, तब जो है वो आयरन क्लिप्स नीचे गिर जाती हैं, उसको अट्रैक्ट नहीं करती। एन आयरन नेल और अ रॉड बिकम्स अ मैग्नेट। एक आयरन नेल या फिर रॉड जो है मैग्नेट बन जाता है जब इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द कॉयल, जब इलेक्ट्रिक करंट उस कॉयल में से पास होता है, वाउंड अराउंड इट, जो कि कॉपर वायर उसके गिर्द लपेटी हुई है। सच अ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो तब उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब आयरन की एक रॉड या फिर नेल जिसके गिर्द हमने कॉपर वायर वाउंड की है, उसको बैटरी के साथ अटैच कर दें, तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ अ टेम्परेरी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी का मतलब होता है आरजी, कुछ वक्त के लिए मैग्नेट होता है। इट रिमेन्स मैग्नेट एज लॉन्ग एज द करंट पासिस थ्रू इट। तो मैग्नेट उस वक्त तक ये मैग्नेट रहता है जब तक उसमें से करंट पास हो रहा है। बट व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ इट लूजेज इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट। जब उसमें से हम स्विच उसका ऑफ कर देंगे, की ओपन कर देंगे, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा, तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट अपना लूज कर देता है, वो मैग्नेट नहीं रहता। जब तक उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है,
तब तक वो मैग्नेट है। जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से हम स्विच ऑफ कर देंगे, की को ओपन कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास नहीं होगा और वो मैग्नेटिक नहीं रहेगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही है। आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ा है और कैसे स्टैटिक चार्जेस किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर बिल्डअप होते हैं, और उसकी एग्जाम्पल हमने लाइटनिंग पढ़ी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के यूज़ पढ़ेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।